अब क्या कहना है तुम्हारा? शायद तुम सही कह रहे थे, ये बकवास आइडिया था, मैंने तुम्हारा भी टाइम वेस्ट कर दिया। कोई बात नहीं, कम से कम तुम्हें सुकून तो मिला। तुम बचपन से ही ऐसी हो, याद है हम रात भर भटके थे क्योंकि तुम्हें सिर्फ सुजुक खाना था। मैं वहां अकेली भी जा सकती थी। मैं वही तो कह रहा हूँ, तुम्हारे दिमाग में जो होता है वो किए बिना तुम मानती नहीं हो, बचपन से ही जिद्दी हो तुम। तो मुझ में कुछ नहीं बदला है, और यही तो खास बात है। पर तुम शिकायत कर रहे हो। किस चीज की? अभी कहा कि मैं तुम्हें घुमाती थी। हाँ, तुम वही करती थी। एहसान ही दिखाना था तो मेरे साथ क्यों आते थे? क्योंकि मैं तो डर ही गई। पानी पियोगी तुम? नहीं, मैं ठीक हूँ। अब हम चले, वहां चलकर देखते हैं और फिर वापस चलते हैं। हाँ चलो चलते हैं। और जब उसने शादी से मना कर दिया तो अब मुझे डिप्रेस्ड फील हो रहा है। हाँ, ये तो बहुत बुरा हुआ। मतलब उसे ये बात पहले ही आपको बता देनी चाहिए थी। मिस्टर मेहमत, अगर आप बुरा ना माने तो मैं अपने वकील से बात करूं, शायद वो इसका कोई सलूशन निकाल लें। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। इसमें परेशानी कैसी, और आप वैसे भी कोशिश तो कर ही रहे हैं ना, मैं भी तब तक वकील से बात कर लेती हूं। ओके, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। आपने जो किया है उसके सामने कुछ भी नहीं। प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया है। अब चले, हमें वापस स्कूल भी जाना है। देखते हैं वो कन्फेस करते हैं या नहीं। चलिए। थैंक यू वेरी मच, घर तक छोड़ने के लिए शुक्रिया। माय प्लेजर। मेरी बच्ची सुकरान। अच्छा, बेटा कैसी हो तुम? खाना खाया तुमने? हेलो सुकरान बेटा, मैं तुम्हारे पापा की फ्रेंड तुर्कान। ये तुम्हारी ही बातें करते रहते हैं, क्या मैं तुम्हें किस कर सकती हूँ? तुम बाहर क्यों खड़े हो? चलो अंदर आ जाओ। आप भी अंदर क्यों नहीं आती? हेलो, आप मिस आयसे हैं ना? कदीर, क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारे हाथ में क्या हुआ है? बस जरा बाहर आओ। नहीं नहीं, कुछ नहीं, परेशान मत होइए। कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं भैया, छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था। तुम ठीक हो जाओगे। थैंक यू। और आप मिस्टर बसरी हैं, राइट? आपका स्वागत है। थैंक्स। हेलो, मिस तुर्कान स्कूल की ओनर है। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा। वेलकम वेलकम प्रिंसिपल साहिबा। वैसे मैं प्रिंसिपल नहीं हूँ स्कूल की। तो फिर आपको क्या कहूँ? तुर्कान कह लीजिए। ठीक है, तुर्कान बेटा, खाना तैयार है, चलो। नहीं, आज नहीं, किसी और दिन। खाना गर्म है, सब कुछ तैयार है, चलिए। वैसे ये बड़े बूढ़े हैं, लेकिन कबाब बहुत अच्छे बनाते हैं, ऐसे कबाब कहीं नहीं मिलते। आ जाओ। आप इतनी दूर आई हैं, बिना खाए तो नहीं जाने देंगे। हमें बहुत अच्छा लगेगा। अब मैं कबाब को कैसे मना कर सकती हूँ? बिल्कुल आइए।
शुक्रिया। एंजॉय करो। मुझे लगता है सब ठीक चल रहा है। हाँ मेरे लिए जो भी किया उसके लिए थैंक यू। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। कभी कभी परेशान करती हो लेकिन शुक्र है हम सब यहाँ पर उसके साथ हैं। और फातिमा नूर भी ठीक हो गई। अहमद बहुत अच्छा लड़का है। हम उसका एहसान कभी नहीं चुका पाएंगे। उसने ऐसे हालात में फातिमा नूर की बहुत ज्यादा मदद की है। अच्छा चलिए हम लोग कॉफी पीते हैं। तुमने कभी सोचा है क्या जब तुम उसे मिलोगी तो क्या बोलोगी? पता नहीं, मेरे दिमाग में हर बार बहुत कुछ चलता रहता है पर हर बार कुछ अलग आता है। जैसे कि कभी मैं उसे थप्पड़ मारती हूँ, कभी उस पर चिल्लाती हूँ, मेरा सारा गुस्सा निकालती हूँ उस पर, और कभी कभी उससे पूछती हूँ कि ऐसा क्यों क्यों क्यों। कभी उसे सिर्फ देखती हूँ बहुत देर तक बिना नजर हटाए, जैसे मैं उसकी आंखों के रास्ते दिल में उतरकर सच्चाई देखना चाहती हूँ। अहमद, पहले जब मैं देखती थी तो हमेशा उसे गले लगाती थी और सोचती थी कि अब हम कभी दूर नहीं जाएंगे, लेकिन वो फीलिंग तो अब जा चुकी है पूरी तरह से। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं अब सोच भी नहीं पाती कि पहले की तरह मैं उसे कभी गले लगाऊंगी। तुम सोच रहे होगे कि फातिमा नूर कितनी पागल है, लेकिन मैं तुम्हें क्या बताऊं अहमद, मेरे दिल पर क्या गुजर रही है। जब हम किसी को भूलने की कोशिश करते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि अब भी तुम उससे प्यार करती हो, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन शायद मैं गलत भी हो सकता हूं, है ना? आप अभी उससे बहुत प्यार करते हैं। हाँ लेकिन क्या फायदा? किसी मरे हुए इंसान को प्यार करना मतलब खुद मरना, लेकिन अपनी बेटी के लिए जीना पड़ता है। आप बहुत अच्छे पापा हैं और आप बहुत अच्छी बहन हैं। मुझे लगता है रिजान वाले केस में कहीं ना कहीं सफाक भी शामिल है। सच कहूं तो मुझे यकीन नहीं होता कि वो इस हद तक भी गिर सकता है। पता नहीं उसे कैसे संभालूं। मुझे लगता है उन्हें थोड़ा वक्त देना चाहिए। वो खुद इसकी जिम्मेदारी लेंगे और सब कुछ कन्फेस करेंगे। देखते हैं। इश्क तेरा डंगदा है।